निघा स्वागत जी आया नो। G20 का सम्मेलन सफलतापूर्वक संपूर्ण होया। भारत ने सारी दुनिया के सामने अपना संदेश रखिया, वासुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया एक परिवार है, एक धरती, एक परिवार, एक भविख। सब कुछ मिलजुल के करना है क्योंकि असी सारे आपस दे विच जुड़े हुए हैं। उस नाते साडा फर्ज बनता है कि असी एक दूजे का हाल चाल पुछते रहिए, एक दूजे दी समस्यावां बारे जानते रहिए और उन्होंने हल करन दा उपराला करते रहिए। भावें वह देश की समस्या होवे, दुनिया की समस्या होवे, या किसी परिवार की समस्या होवे, या किसी समाज की समस्या होवे। ऐसा ही उपराला अज असी करन जा रहे हैं। जिहड़ा साडा NRI भाईचारा विदेशां च रहिंदा, पूरे भारत के लोग विदेशां च जाके सैटल हुंदे ने, उन्हां दीआं की समस्यावां ने और उन्हां दे हल की ने, असी इन्हां बारे गलबात करन जा रहे हैं कि NRIs दीआं समस्यावां ते उन्हां दे हल। और इस बारे जानकारी देने वास्ते स्टूडियोज़ दे विच मौजूद ने जिंदर सिंह औजला जी, जो कि NRIs दीआं समस्यावां बारे खास तौर पर उपराले करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट ने ते मैंबर ने NRI सभा पंजाब दे। बहुत बहुत स्वागत थोड़ा औजला साहब गल्लां ते गीत दे विच। सो ये बहुत वधिया उपराला तुसी कर रहे हो, क्योंकि समस्यावां तां इंसान दा पिछा छड़ दिया नहीं, क्योंकि जिंदगी दा ते समस्यावां दा कहिंदे ने कि हमेशा साथ बनिया रहिंदा है। सो ये समस्यावां जिहड़ियां NRIs दीआं ने उन्हां बारे असीं गलबात करांगे। सब तो पहले तो असं ये जानना चाहते हाँ कि भारत की तारीफ पूरी दुनिया होंगी है, G20 सम्मेलन के पूरी दुनिया के भारत ने अपनी सभ्यता बारे गल की, अपनी संस्कृति विचारधारा बारे गल की और पूरा विश्व भारत की तारीफ करता है। फिर भी भारत के लोग भारत छड़ के बाहर क्यों जाते हैं? पंजाब के लोग तो खास करके पहले तो कोई कोई घर हों जिथों कोई बंदा जाता सी, हुण कोई कोई घर बचिया जिथों कोई बंदा नहीं गया होया। ये सारे बाहर नूं क्यों तुरे हुए ने? भारत दे विच की कमी, पंजाब दे विच की कमी है? देखो जी, अज जिहड़ा समां जा रहा है बड़ा डेंजरस जमा जा रहा कुड़ियां वास्ते और मुंडियां वास्ते। जदों कुड़ी नूं आपां पढ़ने पाउने आ, उह जदों 10 प्लस कर लैंदे आ, उदों बाद उहनूं बाहर जाण दा वेरवा हुंदा, जां मुंडा जां कुड़ी आ। उत्थे जा के मेरा कहण दा मतलब इह आ कि जे कुड़ी नूं वी घरों तोरना तुसीं, जां मुंडे नूं वी घरों तोरना, जिहड़े तुहाडे उत्थे रिश्तेदार रहिंदे आ उहनां दी पूरी जिम्मेवारी होनी चाहीदी आ। नंबर दो, कुड़ी जिहड़ी हैगी जिहने जाणा जां मुंडे ने जाणा, उह अपने रिश्तेदार दे नाल खुद गल्लबात करे तां कि उहनूं पता लग सके कि मेरे रिश्तेदार नाल गल्लबात हो रही आ। कई लोकां दे उत्थे इस तरह के चक्कर पए आ, वह उत्थे जा के कुड़ी कहिंदी वी मतलब मामा जी सत श्री अकाल, फुफड़ जी, जां कोई भी ताया चाचा जो भी है, वह कहिंदा गुड्डी तूं सानूं फोन भी नहीं कदी कीता, तेरे माँ बाप ने फोन किया सीगा। इस करके जिस बच्चे ने भी जाना, उन्हों अपने रिलेटिव जिहड़े भी हैगे भूआ फुफड़ जां कोई भी रिश्तेदार उन्हां दा मासड़, उन्हां दे नाल खुद आप गल करे कि मैं इन्नी तरीक नूं आउणा वां, जां इन्नी तरीक नूं मेरे वीजा लग गया वा, जां जे आ वो आ, जो भी गलबात हैगी आ उहनूं स्पष्ट तौर ते उन्हां नूं दसणा चाहीदा। इस तरह के सिलसिले जिहड़े हैगे आ मुंडियां वास्ते भी हैगे आ। मुंडियां दे हुण जे वीजा लग जांदा तां कुड़ियां दे सौदे हो रहे आ, कुड़ियां दे जे वीजा लगदा तां कुड़ियां दे सौदे हो रहे आ। मुंडे वाले सौदा करदे आ वी तुसीं किन्ना 20 लख रुपया लै लो ते साडा मुंडा, उत्थों जा के वह विगड़दे आ, उहनां दे सिलसिले जिहड़े आ कोई इत्थे उहनां ने कोई कोर्ट मैरिज नहीं कीती हुंदी, कोई गुरु घर की मर्यादा के उन्होंने फेरे नहीं लाए होंगे, वो उड़न फलाइया के चले जाते हैं, तो उत्थे जाके उन्होंने हैलो ही कर जाते जो करते। यहोजे मसले बहुत ज्यादा आ। साढ़े गुरु घर जोड़े बहरले मुल्कों के बहुत संभाल करते, साढ़े जोड़े पंजाबी लोग आ उन्होंने बच्चों की देखभाल करते, जो गुरु घर चल जाते, जो तुम घर के सामने नहीं उन्होंने, वो सड़कते आ जाते, कोल कम है नहीं गा। कनेडा दे विच, अमेरिका दे विच इस टाइम बुरे हाल बौंके दिहाड़े आ, तुसीं रोज़ देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं जी, फेसबुक ते देख रहे हैं। इस करके जो भी करो तुसीं तोरना बच्चे नूं, उहदी पूरी जिम्मेवारी दे नाल अगलियां दे नाल उहनां नाल गलबात करके फिर उहदे कोल जावे तां कि अपना कामयाब होवे जिहड़ा उह स्टडी करन वास्ते गया। चंगे बंजे जिहड़े हैगे आ पढ़े लिखे इत्थों देश दे विचों निकल रहे आ, इस देश दे विच कोई बंदा नहीं कम कर रहा, कोई जा रहा, जिन्हों भी हैगा क्रेज आ रात नूं सुता पिया भी वासियां लैंदा, वह कहिंदा मम्मी मैं बस छेती तो छेती चले जावां। जिहड़ा प्रिप खेली आ, जिन्हें 12 जमातां कर लईआं वह भी, जिन्हें BA कीती वह भी, जां लड़की आ, इत्थे कोई रिश्ता करन नूं तैयार नहीं आ। क्यों नहीं तैयार? क्योंकि लोग दलदल दे विच वसे आ, नशियां दे विच फसे आ मुंडे, ना मुंडा ही लभदा ना कुड़ी लभदी आ। इस करके सारे का सारा सिलसिला जिहड़ा विगड़िया होया वा साडे पंजाब दे विच। उत्थे जा के
बोरियां ढोंदे आ, इट्टां ढोंदे आ, लेबर का काम करते इस देश दे विच क्यों नहीं करते। इस देश दे विच जो मर्जी कर सकते हो तुसीं, जे तुसीं 20 लाख 25 लाख रुपया ला के कैनेडा नूं जा रहे हैं, इत्थे 25 लाख रुपया ला के तुसीं अपना कोई बिजनेस कर सकते हो, कोई दुकान पा सकते हो, कोई दुध शहर विच दुध ले जा सकते हो, होर जिहड़े कई कारोबार आ इत्थे। अज किसी भी इंडियन बंदे की मैं दुकान नहीं देखी जिहड़ी सब्जी की दुकान पर खड़े हो, उत्थे सिर्फ साढ़े प्रवासी भाई आ जिहड़े बईए आ वो सब्जियां वेच रहे, उन्हां दियां कपड़े दियां दुकानां हो गईआं, उन्होंने कोठियां पा लिया, उन्होंने ही सारा कुछ कर लिया। इस तरह असी उस देश में जाके भी सारा कुछ करके फिर उस बाद असी स्टैंड होने, टू हार्ड वर्क करके उड़ा सौखा नहीं काम जिन्ना कि उत्थे सैटलमेंट होने का अज के समय के वातावरण उत्थे चल रहा। यानी यह है कि साडा मन इत्थों भरिया होया, असी कहिंदे बाहर पता नहीं किहड़ा खजाना है जिहड़ा सानूं लभ जाणा, असी सुपणियां दे विच तुर पैंदे आ उत्थे, तो उत्थे जाके वो सुपने जो टुटते हैं तिड़कते हैं उदों सानूं चेता होंदा कि इन्ना पैसा ला के जे अपने भारत दे विच अपने पंजाब दे विच काम कर लैंदा कोई कारोबार कर लैंदा तो मैनूं इत्थे आ के ये कुछ तसीहे ना झलने पैंदे। अज असीं देखते हैं कनेडा दे विच लोग सड़कां दे उत्ते टेंट ला के बैठे बैठे ने, असीं देखते पए हां, और रोज़ वीडियोज़ आउंदियां ने उन्हां दी वायरल हुंदियां ने, किन्ने देखो बहुत बहुत माड़े हालात ने। और कई थां ते तुसीं जाके देखते हो कि कम दे सिलसिले दे विच जांदे ने, इत्थों लै जांदे ने उन्हां नूं कि उत्थे जाके कम मिलेगा, उत्थे जाके उन्हां दा पासपोर्ट भी रख लैंदे ने और कम भी इदां दे करवाउंदे ने जिहड़े करवाए नहीं जाने चाहीदे। नहीं गोरे करदे नहीं जी, अपने बंदे नूं कहिंदे कि तुसीं करो, ठीक है ना जी, वो करना पैंदा वा। जदों तुसीं पिछे करजा लैके अपने मां बाप का करजा लिया होया वा, करजा लैके जमीन गहने पा के जां उदां बैंक तों करजा लिया वा जां होर कितों लिया वा, हुण टेंशन दे नाल उत्थे हार्ट अटैक दे नाल जंग मुंडे मर रहे, तुसीं रोज़ देख रहे हैं जंग, कोई 18 साल का, कोई 20 साल का, 25 साल का, वो हार्ट अटैक दे नाल, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा फिक्र आ, टेंशन इन्नी उदो कम कार है नहीं गए, कमां कारां दे कित्थे चल जाणगे, चोरी चटाली भी करते आ उत्थे, इत्थे नालों भी वध नशे आ जिहड़े कि कई लोग जिहड़े चंगे घरां दे बच्चे आ वो उत्थे जाके भी नशा कर लैंदे आ, जिहड़े चंगे घरां दे बच्चे आ उन्हां ने जाणा वा, गरीब का बच्चा कित्थों चल जूगा, जिहदे कोल 20 लाख रुपया होगा उ ही जा सकदा। जिहड़े हुण बच्चे जिहड़े इत्थे हुण नौकरी मिले, जिहड़े कोई बंदा जावे बच्चा पढ़िया लिखिया वा उहनूं कोई सर्विस मिले इत्थे, गवर्नमेंट की सर्विस मिले जां दूसरी सर्विस मिले, वो बैंक में काम कर सकदे आ। हुण साडियां बैंकां में चल जाओ सारे जिहड़े हैगे आ बाहरले बंदे आ, किसी भी बैंक चल जाने, अंबैसियां दे विच चल जाओ तुसीं, उत्थे भी बाहरले केरला दे आ, आसाम दे, इधर दूसरे देशों दे उत्थे दे बंदे बैठे स्टेटां दे, साढ़े सिख भाई दे कोई घट आ जिहड़े अंबैसडर उत्थे आ जिहड़े अंबैसियां दे विच काम करदे आ, जां साढ़े इत्थे दफ्तरां दे विच मैं जा के देखिया वा कोई जिहड़ा मसला हैगा, जिन्ने भी बाऊ आ सारे दे सारे बाऊ आ हिंदी बोल रहे आ, उह हिंदी दे विच गलबात करदे कि सरदार जी तुहाडा की काम आ, उन्हां नूं दस्सीदा साडा भई आह काम आ, अच्छा जी अज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं तां परसों होगा, पटवारियों तक हुण जिहड़ा सिलसिला चल रहा वो भी सिलसिला जिहड़ा हैगा, हर बंदा इत्थे भ्रिष्टाचार आ, पैसे दिओ साढ़े NRI नूं इन्ना यूज कर रहे आ कि बहुत ज़्यादा यूज कर रहे, पहलां पता लगता कि तुसीं NRI आ, हाँ जी किन्नी तरीक नूं जाणा अंकल जी, मैं इन्नी तरीक नूं 22 तरीक नूं जाणा जी, वो फिर सानूं यूज करते सानूं 2-4 दिन गेड़े लवाउंदे आ, 10 तरीक होई हुंदी आ वो कहिंदे जी 12 तरीक नूं 15 नूं आयो, सहन नहीं होए साहब दे, साहब चला गया, हड़ आए सीगे उन्हां दा करके उत्थे चला गया। इस करके NRI जिन्ने भी लोग है बहुत ज़्यादा तंग आ, उन्हां दी समस्या हल होनी चाहिए आ, बाकी जिहड़े इत्थे रहिंदे आ यंग मुंडे आ पढ़े लिखे आ उन्हां नूं नौकरी मिले तो वो कित्थे बाहर नूं जाण दा न्याय नहीं लैणगे, जिन्हां नूं इत्थे अज 35-40 हज़ार रुपया पुलिस विच भर्ती हो जाओ 35-40 हज़ार रुपया स्टार्ट हुंदी आ। 2-3 कुड़ियां मैं इत्थे पुलिस विच रखाइयां जिहड़ियां कि अपने SS इन्हां दे सीगियां, वह भी बड़ियां खुश आ कि सानूं मतलब भर्ती कराता, क्योंकि उन्हां दा बनदा हक बनदा वा, वह बड़िया खुश आ। हुण साडे रमिदी दे विच उहदा माँ बाप मर गया सीगा, पिता जी उहदे दुबई दे विच गुजर गए सी, पढ़ी लिखी BA कीती उहने, उहदा कद थोड़ा छोटा सी, उहनूं भी नौकरी दवाई, होर कई तरह दे आ। जे सारे गवर्नमेंट साडी इत्थे दी सारिआं नूं नौकरी देवे ते सानूं बाहर जाण दी लोड़ नहीं। एग्जैक्टली तुहानूं रोज़गार ते चाहीदा ही हुंदा है, और कई बार तुहानूं लगदा कि तुहाडी जिहड़ी डिग्री आ, तुहाडी जिहड़ी नॉलेज आ, तुहाडा जिहड़ा हुनर है, उहदी कदर बाहर जाके पै रही है, इत्थे उह कदर नहीं पै रही, तुहानूं इत्थे इत्थे अपनी पढ़ाई लिखाई तुहाडे हुनर दे मुताबिक काम नहीं मिलदा, कई बार ये भी त्रासदी रहिंदी है। सो एक चीज़ है, ये तो डार्क साइड आ, हुण एक वधिया साइड ये भी है कि जे असीं देखिए बाहरले मुल्कां दे विच तां भारतीय मूल दे लोग उत्थे पार्लीमेंट च बैठे ने, उत्थे पॉलिटिक्स दे विच बाहर दीआं कंट्रीज च बैठे ने और देश नूं चलाउण दे विच मदद कर रहे ने। सब तो वड्डी एग्जाम्पल अमेरिका दे उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारतीय मूल दे ने जी,
है ना, वड्डी वड्डी कंपनियां दे सीईओज जेड़े ने भारतीय मूल दे ने, बिल्कुल इनका जो डायरेक्टर है जी, जी जी इंडियन बंदे जेड़े आ डायरेक्टर है इंडिया दे उठे वाले मुल्क है, कनाडा विच मैं देखे आ, अमेरिका च देखे आ, फिर इस टाइम जेड़े है गया साडे प्राइम मिनिस्टर जेड़ा ऋषि सुनक जी इंग्लैंड दे विच, यस इंग्लैंड दे विच प्राइम मिनिस्टर ने जी, देखो कित्थों तक आ, एमपी है गया हुण साडे अपने टीसी साहब है गया तनजीत सिंह, यस समझदे ना ओह पिंडू इत्थे तुहाडे नाल ही पिंड उहदा हैगा, इह कित्थों तक गए साडे हुण इंग्लैंड दे विच आ, कनेडा दे विच तां बहुत ज्यादा एमपी आ, सुख एमपी आ, होर कई तरह के कई आ, टोरंटो दे विच आ नवदेव सिंह बैंस आ, गुरबख्श सिंह मल्ली सीगा जिहड़ा एमपी सी बहुत देर हो गया, एग्जैक्टली होर कई हैगे आ जिहड़े जिन्हां दे नाल उजल सिंह दसांझ आ, ओह देखो कित्थों तक किन्नी पावर रह चुकी उहदे कोल, होर कई है जिहड़े जिन्हां ने विद्या प्राप्त की थी। यस और साढ़े सब तो जो जिन्हां दा असीं नाम हमेशा लेंदे रहने हैं एस पी सिंह ओबराय सरबत दा भला, और वो हमेशा जो काम तुसीं करदे हो कि एनआरआईस दीआं समस्या दे उप्पर उन्हां नूं हल करन दा वो ए विच करदे ने, पूरे विश्व दे विच जाणे जांदे ने, विश्व जी विच उन्हां जिन्ना जिन्ना वो भला करदे ना जिन्ना वो सोच सोचदे आ महाराज सच्चे पातशाह नूं चढ़दी कला च रखे, वह बहुत ज़्यादा कर रहे जी बहुत ज़्यादा, असीं तो कुछ भी नहीं कर रहे, असी तो उन्होंने पिछे चल रहे हैं कि किदा किदा है, कॉपी कर रहे हैं उन्होंने कि किदा कर रहे हैं कुछ ना कुछ अच्छा करिए। हॉलैंड रेंदे हो बेसिकली जी हाँ, और तुसी देख दे हो कि इदा एन आर आईज समस्यावान ने किदा का यह विचार बनया तुहानू इस समस्यावान दे विच, और तुहानू खुद किन्नी जद्दोजहद किन्नी मेहनत करनी पैंदी है समस्यावान हल करन वास्ते, क्योंकि हर इंसान की अपनी जिंदगी की समस्या होंदी है, अपनी भी जिम्मेवारियां होंदिया ने, उहदे विचों समा कढ़ना दूजिआं वास्ते और उन्हां दीआं समस्यावान हल करनियां, और वह भी एन आर आईज दीआं किदा। औजला साहब देखो जी मैं सुरजीत सिंह रखड़ा साहब पटियाले तो हाँ जिन्होंने मैं एन आर आई सभा दे विच पाया सी, उन्होंने मैं श्रोमणी अकाली दल बादल दे नाल रलाया प्रेजिडेंट बनाया, 14 साल इन्हों के नाल मैं कटे, बड़े सोहने दिन निकले, बहुत सोहने जिन्हें काम सीगे लोगों के सवारन वाले वह करते रहे असी, इन्होंने भी साढ़े करवाए आ, उस तो बाद सन 1914 दे विच मोदी साहब साढ़े कोल उत्थे गए, इन्होंने उत्थे जा के तो इन्होंने इधर उधर दाएं बाएं पूछा कि किदा किदा दे बंदे इत्थे हैगे आ, क्योंकि हॉलैंड बहुत छोटा देश है जी, उत्थे दास दा नाम भी लिखाया गया वैशी दे थ्रू लिखा गया, फिर सरदार जिंदर सिंह जी औजला उत्थे इन्हां दे नाल मेरी मुलाकात हुई, इन्होंने उत्थे 14,000 बंदा होगा स्टेज के उत्ते जिन्हां दे विच मैनूं सरोपा दिता तो मेरा सन्मान किया कि तुसीं साडे नाल रलो, मैं इन्हां दे नाल रलिया, इन्होंने मैनूं कुछ क्वेश्चन किए जिहड़े मेरे क्वेश्चन सीगे कि जिहड़े बंदे उत्थे रहिंदे आ रात को किसी की मौत हो जाती है उन्होंने सवेर में जाना वा तुम रात को वैसी बंद आ कोई वैसी वाला बंदा नहीं खड़का, मेरे 10 सवाल जोड़े है मोदी साहब ने पूरे किए, लोग ये पूछते हैं कि औजला साहब तुम किस तरह ये आ गए मोदी साहब किस तरह मिल रहे, मैं उन्होंने दसिया कि भाई साहब जोड़े भला करना मैं 14 साल पहला भला किया वा तो मोदी साहब ने मेरा देख लिया इम्तिहान बुक मेरिया देखिया कि की यह बंदा है खटन घटाने वाला, मेरा अपना कारोबार है जी मैं फड़ी लाता रहा, फड़ी तो मैं स्टार्ट होया मोदी साहब ने मैं दसिया फड़ी लाता रहा, इतों मेरा काम हूँ इतने मेरे वेयर हाउस आज उत्थे मेरा अपना काम आ, बच्चे का मेरा अपना काम इंजीनियर की आ, मेरी गुड्डी ने उन्हें सीए की आ, मेरा वकील आ जोड़ा जवाई मेरा वो वकील आ, इतों पिंडों ही आ देसी इत रिमपुर पिंड उन्हों का, इस तरह जोड़े है मसले गुड्डी मैं पढ़ाया बच्चों मैं पढ़ाया, मैं आप तो इन्ना नहीं पढ़िया मैं अंडर मैट्रिक हाँ, मैं उन्होंने पढ़ाया बहुत ज़्यादा हाँ जी, हुण उन्हां दे अपने कारोबार आ अपने काम करते 10-12 कुड़ियां उन्होंने कोल काम करदियां मेरी गुड्डी कोल, बड़ा मान सत्कार इज्जत आ, मेरा काम गुरु घरां दे विच आ, किते भी नगर कीर्तन हो गया जां किते भी कोई चीज़ हो गई जां किसी की डेड मौत हो गई आ उत्थे मैनूं जाणदा नहीं गा पर मैं उत्थे जाणा मैं उत्थे पहुँचना, वो चीज़ा जड़िया है वो सारिया दियाँ सारिया वैसी वाले जो नोट करते बिल्कुल हाँ। और गुरु साहब ने तो ये सेवा बख्शी है जी। सो आप अपनी समस्यावान की गल अगे बधाने कि तुम ये गल किया कि मैरिज के बेस के उत्ते जी बहर आना जाना एक चलता है और ये सौदे भी होंगे ने कि इन्ना पैसा कुड़ी वाले दे दें जो कुड़ी उत्थे सैटल्ड होना चाहती है, मुंडे वाले दे दें जो मुंडा उत्थे सैटल होना चाहता है जी, और इदा यह सब आधार बनता है जी जी, और ये तुम ये भी कहा कि कुछ जाली दस्तावेज कोई जाली मैरिज ये भी सब चलदियां ने किसी भी हिले बहर पहुंचना कानूनी तौर पर या गैर कानूनी तौर पर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और कई बार भी केस सामने आते हैं अखबारों के खबर होंगे ने कि कई एजेंट जिन्होंने धोखा दिता और क्योंकि पढ़े लिखे होंगे नहीं लोग उन्होंने पता नहीं है कि इस एजेंट को लाइसेंस भी है कि नहीं है यदि कोई पहुँच भी हैगी कि नहीं हैगी काम कर सकता कि नहीं कर सकता और लखा रुपये लोगों के जाया हो जाते हैं फिर बाद एजेंट का पता नहीं लगता
सो ए सब सिलसिला की होंगे, बैंड्स लेना है, आइल्स करनी, ये सारे चक्कर भी पैंदे रहिंदे ने, जरा समझाओ साडे दर्शकों नूं। देखो जी जिहड़े हुण तुहानूं दस्सिया तुसीं ते रोज़ देखदे आ फेसबुक ते हर बंदे भी देख रहे हैं, जिन्हें भी मेरे पतवंते सज्जन सुन रहे आ उन्होंने सारिआं नूं इस चीज़ का भेत भी हैगा, पता भी हैगा, पर अपनी कोशिश होनी जरूरी है कि तुसीं अपने बच्चों वास्ते कोई चंगा सोचो, उन्होंने चंगा वर सोचो। पहला साढ़े इंडिया के उत्थों इंग्लैंड तो कनेडा तो अपने बाहरले मुल्क अमेरिका तो आण के इत्थे रिश्ते करते सीगे, अज वो रिश्ते नहीं हो रहे, अज वो रिश्ते बंद हो गए, उत्थे दे उत्थे ही कुड़ियां जिहड़ियां हैगियां मुंडे भी उत्थे आपस विच सैटलमेंट होना चाहुंदे आ, जिहड़ा हुण वह भी सच्चे आ कि जिहड़ा हुण असीं इत्थों लैके जाने कोई मुंडा लैके जाने जां कुड़ी लैके जाने उन्हां दा दिमाग इंडिया दा ही हुंदा, वो मुंडा जे लैके जाने तो उहदा दिमाग सारे दा सारा इंडिया घुम्मदा वा कि मैं अपने पैसे पिछे नूं पावां। बाहरले मुल्क के जिहड़े लोग आ वह बड़े जेंटली रहिंदे आ, अपना कामकार करदे आ, सवेरे स्वस्थ उठदे आ, अपने कामां कारां च जांदे आ, अपनी ड्यूटी ते निभा के अपने घर का काम भी करदे जो लेडीज़ आ। जिहड़े बंदे आ टू हार्ट वर्क कीता, जिहड़े साडे पुराने बंदे जिहड़े मेरे उम्र दे 70-75 साल दे 80 साल दे है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल की, उन्होंने अपने बच्चों वास्ते नहीं सोचा, थोड़ा घट सोचा, अपने बच्चों को घर छड्ड के चले गए, बच्चों ने आपे ही खाना खाना आपे सारा। अज वो बच्चे जिहड़े अपने माँ बाप को कहिंदे कि तू छोटे होंदे नूं सानूं जिन्ना सांभदा सी ना डैडी उन्ना कि असीं अज तैनूं संभालांगे। वधिया ना, वधिया। उन्ना क्यों सांभदे आ, वो बरिया दे हाउस हैगे उत्थे बणे होए जिहड़े आ, जिहड़े जिथे बुढ़े बंदे रहिंदे आ वो उत्थे रहिंदे आ। हुण कनेडा दा हाल देख लो तुसीं, उत्थे जिहड़ा भी कोई बंदा जांदा सर जी वो अपने जिहड़े जां कुड़ी आ जां मुंडा वा जिन्हां दे मतलब बच्चे सांभण वास्ते इत्थे दे जिहड़े लोग सरदार आ लैंडलॉर्ड बंदे आ कैप्टन आ मिलटरी चों गए होए आ बड़े वड्डे वड्डे अफसर रह चुके इत्थे साडे इंडिया दे विच, वह उत्थे जाके उन्हां बच्चों दे गुलामी करदे आ ते जिद्दां उन्हां नूं पैसे मिलदे आ ओके उसे वेले वह कहिंदे जी डैडी तेरा चैक आ गया, हाँ आ गया बेटा, उसे वेले चैक कढ़ा लैंदे आ। हुण कनेडा दे विच तुसीं देखिया होणा फेसबुक दे उत्ते भी चलदा कि जिहड़े पार्कां दे विच बैठे आ वह सारी की सारी सच्चाई दसदे आ कि किदां किदां हैगा, ये कौड़ा सच है जी, ये बहुत ज़्यादा कौड़ा सच है। जिहड़ा बाहर बंदा जाना जिन्हां दी जमीन ज़्यादा उत्थे बच्चे हैगे आ सैटल आ वो जे तो उन्हां दी इज्जत मान सत्कार करदे फिर तो बहुत वधिया, जिहड़े बच्चे उन्हां दी इज्जत मान सत्कार नहीं करदे वो मेरा ख्याल इत्थे भी हुण उह सिलसिला चल पिया वा। बिल्कुल चल पिया, और नैचुरली पूरी दुनिया दे विच इक्को ही वर्तारा है, इक्को ही सोच है, क्योंकि सारी दुनिया आपस दे विच जुड़ी हुई है, असी ये सारे देखते ही हाँ वर्तारे सारे जो हुंदे पए ने। एजेंट्स की मैं गल की सी कि जो कि बाहर जाने का कोई कोशिश होवे तां एजेंट के थ्रू कई लोग कोशिश करते हैं, वो किदां कोख पड़ताल करनी चाहिए कि जिहड़ा एजेंट हैगा सही है और सही गाइड कर रहा है, और पढ़ाई लिखाई जिवें आइल्स की गल मैं की सी किन्ने बैंड लैने ने ये सब कुछ। वो सर जी इत्थे हैगा बिजनेस चलदा, इत्थे किसी बंदे कोलों बहुत ज्यादा घाटा लाइसेंस जिहड़े हैगे आ बाहर नूं लिजाण वास्ते बंदिआं नूं, जिन्हें भी टिकटां वाले एजेंट आ उन्हां कोलों बहुत ज्यादा घट आ चांस कि उन्हां कोल लाइसेंस ही है नहीं गए, कईआं कोल नहीं है, नहीं है। वह पिंडां दे विच जिद्दां अपना एक बच्चा चला गया उहदे राहीं ही उन्हें दस्सिया भी तुसीं फलाने दा एजेंट साडा बंदा लै गया मुंडा लै गया उन्हें अमेरिका नूं लै गया उन्हें डोंकी लवा दित्ती किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई। अज तुसीं देखदे आ अमेरिका नूं किदां जांदे, किसी एजेंट दे कोल इत्थे बहुत घट लाइसेंस आ, गवर्नमेंट नूं इह चाहीदा कि उन्हां दे लाइसेंस इशू करे, वो जिहड़े रजिस्टर्ड लाइसेंस आ उन्हां नूं बंदे दे के उन्हां दे राहीं जाण, जो ठगी हुंदी आ ते उन्हां नूं बंदिआं नूं फड़न। हुण ठगियां होईआं वा एजेंट जिहड़े हैगे आ लै के चले गए इत्थों, कोई कहिंदा मैं तुसीं यूरोप नूं जाणा इत्थे चल चलो इत्थे तुहानूं डोंकी लवा देंगे, उन्हां दी मौत हो जाती आ। इत्थे सरदार आ परमजीत जी बैठे आ सामने अपने, इन्हां दे नाल भी इदां दा भाणा वरत्या, इन्हां दे नूरपुर पिंड आ इत्थे लागे उन्हां दी बॉडी जिहड़ी आ उहनूं दफन लगे सीगे, जिन्हां दी दास नूं पता लगा इत्थे किसी बंदे दे राहीं कोई बंदा मेरे ताईं पहुँच की, मैं उन्हां दी बॉडी जिहड़ी आ उन्हां दी उन्हां दे घर पहुँचाउण दी कोशिश की, दबण नहीं दित्ती फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वैसी जिहड़ी हैगी ना जिन्नियां साडियां इंडियन वैसियां ना इन्हां दे विच कोटे हुंदे पैसे रखे हुंदे आ, उस कोटे दे विचों पैसे इन्हां ने तारने हुंदे आ, वह जिहड़े बच्चे दी बॉडी आ जिहड़ा सही सलामत सही ओरिजिनल जिहड़ा कागज़ पत्तर उहदे होणगे ओरिजिनल उहदी मौत होई आ असल दे विच उहदी मौत होई आ ना कि कोई मर्डर होया, वो फिर एजेंटां नूं फड़ना चाहीदा। हुण एजेंटां दे कोल मैं भी इत्थे दो बार गया वा पर नहीं मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, मैं अपना शो नहीं करदा, मैं फोन करदा ना मैं किसी कोल जाना, जे जाऊँगा तो मेरी दुश्मनी आवेगी ये बंदा कौन आ। इस तरह के सिलसिले दे विच मैं तो सिर्फ मदद ही करदा, जिन्नी भी हो सके उन्नी मैं मदद करदा, मेरे कोल जो महाराज ने सच्चे पातशाह ने मैनूं बख्शिया वा वो मैनूं उत्तों हुक्म करदा भी भाई साहब तुसीं आ जिंदर सिंह औजला जी ए दी बंदे दी मदद करो, गरीब बंदे दी मदद करो,
मैं गरीब बंदे की मदद करता, अमीर बंदे का मेरा कोई दोस्त ही नहीं। जिस तरह तुसी डोंकी की गल कर रहे हो, साडे दर्शक जानना चाहणगे एक डोंकी की, क्योंकि पहला एक बहुत मशहूर केस होया सी माल्टा जिहदे किश्ती उलट गई सी, और बहुत चिर पहला उत्थों ही डोंकी लोगों नूं समझ आउण लग पई कि डोंकी ला के किवें जांदे ने गैर कानूनी तौर दे उत्ते। तुसी पहुँच भी सकते हो, ये तुहाडी मौत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये डोंकी की जरा दस दिओ। डोंकी हैगी जी, जदों इत्थों जांदे आ साडे लोग एजेंट जिहड़े हैगे आ, इतों वाया कोई जर्मन लै जाता, कोई पुर्तगाल लै गए, कोई होर किसी मैक्सीको लै गए, इस तरह के देशों के विच नगा के उत्थे लै जाते। मैक्सीको जिहड़ा हैगा देश, वह कालियां का देश आ, उत्थों फिर नाल बॉर्डर पैंदा अमेरिका का। उत्थे दे लोग ये चाहते आ कि जिहड़ा अमेरिका का बॉर्डर टप गया, अंदर चले गए, उन्हूं उत्थे दी गवर्नमेंट पोलीटिकल स्टे दे दिंदी आ। वो पोलीटिकल स्टे दे के तो उन्होंने थोड़े दिन अंदर रखती आ। अगे थोड़े बहुत पैसे भी रखते सके, बॉन्ड रखते सके, 10,000 pounds रखता ज 15,000 dollars रखता। हुण जिहड़ा उन्होंने थोड़े चिर तो वह बंद किया कि चलो इन्हों, वो फिर वो थोड़े दिन बाद उन्होंने पुछगछ करके ज कोई कागज़ पत्र गलत फलत जो बनाए आ वह बना बनू के जोड़े लोग बड़े उस्ताद है इतने के जोड़े बड़े कारीगर लोग साढ़े इतने के स्पैशलिस्ट इन्ह कागजा च, वो फिर उन्होंने दिखा के तो उत्थे उन्होंने पोलीटिकल स्टे गवर्नमेंट दे दिंदी आ। इस करके जिन्हें लोग जाते हैं फिर वो एक बच्चा गया हों तो दूसरा गुआढ़ियों का कहता साडा भी बच्चा चल जाए। हूँ वो बच्चा चला गया सही सलामत, हूँ दूसरा बच्चा जोड़ा उन्होंने मौत भी हो सकती है, क्योंकि जो फड़िया गया तो गोली आ। इस तरह के बहुत ज्यादा केस आए हैं, तुम्हें सारे पता वा, तुम रोज़ इस तरह के सिलसिले में पे हैं, रोज़ सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टैलीविजन से भी देखते हैं। इस तरह के मसले जोड़े है ये सानू सोच समझ के करने चाहिए। 40-40 lakh rupees इस टाइम दे रहे हैं जोड़ा कि अमेरिका का, 40 lakh rupees कहीं थोड़ा होंगे, वो तो बहुत ज्यादा पैसे आ। 40 lakh rupees 40 lakh rupees 40 mujhs आदियाँ, जो मझा रखिया हो गाइया रखिया हो, मैं देखा फेसबुक से 1-1 lakh rupees की मझ मिलती है जी, तुम्हें वह दुध जो पी के 10 liters दुध दें। वो मैं 10 नहीं कहना, मैं 5 ही कहना, 5 सवेरे दे, 5 शाम को दे, तो कि दुध हो जाता। वो दुध पा के अपना पैसे कमा सकता, उन्ने पैसे उत्थे उन्ने पैसे इतने कमा सकता। इतने 10 rupees चंगे आ घर तो है, उत्थे 10 rupees मेहनत करके। इस तरह के उत्थे हाल आ जी, बहुत बुरे हाल आ, बौके दिहाड़े आ बिल्कुल। और डंकी जिदा तुसी कहा कि कई बार जंगलों चो निकलना, जंगलों चो जी हुण ताजी खबर है जी हैगी ताजी, मैमी साहब बैठे इतने इन्हों के पिंड का बंदा वा, वो डोंकी लाई सी, वो डोंकी दे विच मर गया, उदो बाद दफन लगे सी, उदो बाद दास दे मालक ने हिम्मत बख्शी, मेरे नाल जिहड़ा ग्रुप है मैं तुहानूं दस चुका पहला, उन्होंने मेरी हैल्प की, उन्होंने आख्या कि तुसी वो जिहड़ी उत्थे दे लेडीज़ आ वो बैंक में काम करते मैनेजर आ, वो भी मेरे नाल रले हुए आ, वो भी देश मतलब सेवा करते अपने काम चो बाहर कढ़ के। हुण मेरा रोज़ सवेरे ते शाम 1 घंटा सोशल वर्क आ, मेरी वाइफ कहती तू सौ जाया करो फलाना तिमकड़ा जे, मेरे बच्चे कहते तू डैडी छड खड़ा की कहे कमांज पिया, पर मैनू इस चीज़ का नशा वा, मैनू महाराज ने जो बख्शा होया जिस तरह इस के बराय ने, उन्होंने एक नशा वा, उन्होंने जी सेवा करते ना, उन्होंने जिनी सेवा असं नहीं कर सकते, उन्होंने उत्तों मालक की बख्शिश हुई है। उन्होंने कोल एडा वड्डा कारोबार आ, एडा वड्डा दुबई के एस एम लैंडलॉर्ड आ, उन्होंने राजे जड़े उत्थे दे आ अपने शेख है जिहड़े, वो उन्होंने इज्जत मान सत्कार करते, उन्होंने दुनिया के उत्ते ना आया जी, सरदार बराय सिंह जी का दुनिया के उत्ते ना आया। या बिल्कुल। और असी अपने दर्शकों नाल एक गल सांझी करांगे कि जिहड़ा डोंकी कहिंदे ने ना भाई जाके जाली तरीके नाल तुसी किते जा सकते हो, डोंकी का जो अंग्रेजी च मतलब देखा जाए तो वह गधा होंगे। हाँ जी, डोंकी का मतलब गधा, गधा मतलब गधे बनते हो तुसी, और बाकी किसी के चक्कर जाके कोई गलत काम करना बंदा गधा बनता मतलब बेवकूफ बनता है। सो ये बेवकूफिया तो बाज आईए। और जो साहब तुम हमने ब्याह शादियों का सिलसिला, एजेंट्स का सिलसिला, डोंकी ला के जाना, पढ़ाई लिखाई वास्ते जाना, और उत्थे की हाल चाल ने काम कार दे, और इतने रह के असं कि काम कार कर सकते हैं, जिन्ना पैसा असं खर्च करके बाहर जाने उन्ने पैसे नाल ते इत्थे चंगा भला असं कारोबार कर सकते हैं, फिर घर के घर रहेंगे, अपने माँ बाप को, अपने परिवारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने यार मित्रों के नाल रहेंगे, जिथे असी जमे हाँ, पले हाँ, व्डे हुए हैं, उत्थे ही रहेंगे। ये तुसी क्लीयर किया। कई लोग बाहर चले जाते हैं, कोई विआह के बेस से या कोई कारोबार के बेस से, स्टडी के बेस से गया, उत्थे सैटल हो गया, उत्थे बाहर जाके वस गया। हुण तुसी ये भी गल का जिक्र किया कि साडी जो ध्यान दी सोच दी जो साडी कड़ी है पिछे जुड़ी रहेगी। असी कहांगे कि सारा पैसा असी भारत भेज दईए, पंजाब भेज दईए, इत्थे प्रॉपर्टी बनाईए, जगह खरीदीए, खेत खरीदीए, है ना, हुण दा पैली आ भी खरीद ली बापू जी,
आ भी पहली खरीद ली अपा बापू जी, बड़ा खुशी मिलती सानू जायदादा बना के। और कई बार असं जायदादा बनाने बाहरों मुड़ते नहीं, साल साल दो दो साल इतने बजुर्ग ने सारे, उन्हों का ध्यान नहीं जाता, कई बार गड़बड़ हो जाती है और कोई होर बंदा कब्जा कर लैंदा साडी मेहनत की कमाई के उत्ते, साडी जायदाद के उत्ते, फिर की करिए। देखो जी हुण तुसीं गलबात कीती कि जिहड़ी जमीनां दी हैगी है, जायदादां दी हैगी है, सारा कुछ हैगा। अज जिहड़ा NRI बंदा हैगा जिन्हें जिन्हां दे मां बाप ने जमीन बनाई है, जिहड़ा 18, 19, 20, 23 साल का, 25 साल का, 50, उन्होंने कोई जमीन नहीं इत्थे लई। जिहड़े पुराने बजुर्ग सीगे उन्होंने जमीनां खरीदियां होईयां सी, इत्थे उन्होंने जायदादां बनाईयां सी कि असीं कुछ समां उत्थे लावांगे, अपने बच्चों नाल लै के इत्थे घर आवांगे, इत्थे रहांगे 6 महीने 6 महीने उत्थे रहांगे। ये तकिया सी, मैं अपना आप भी इदां तकिया सी, मैं भी इत्थे प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा खरीद ली सी ता कि जो गवर्नमेंट कहती सी कि तुसीं इत्थे खरीदो, आ करो आ करो आ करो, असी कर लिया। उदों बाद बच्चों पुछया, बच्चे कहिंदे असीं तां इंडिया जावांगे बस, डैडी फिरंदर जावांगे, बाकी अदरवाइज नहीं कुछ करगा। इस करके जिन्हें भी साढ़े मेरे भैन भरा है जिन्हां ने इत्थे जमीनां पईआं वा, वह किसी नूं भी पावर ऑफ टर्नर ना दे। नंबर फस्ट, जे असीं कहने कि अज सानूं इन्हां ने घर दे विच साडी आगत भागत कीती आ, चाह पानी पियाया वा, साडी सेवा सत्कार कीती, गलास गलूस लवाती आ, ते असीं कहने कि इस बंदे नूं अपने भतीजे नूं, अपने भरा नूं, अपने चाचे ताए नूं, उहनूं आपां पावर ऑफ टर्न दे दईए। वो पावर ऑफ टर्न तुहानूं कल नूं आउण वाले समें विच बहुत ज़्यादा गलत पैंदी आ, क्योंकि इत्थे दे लोक बड़े कारीगर आ, वकील बड़े कारीगर आ, उह तुहानूं राह दस्सण नूं सारा कुछ दस दिंदे आ कि तुसीं इत्थे हुण कब्जा कर सकदे आ। इस तरह के सिलसिले NRI दे नाल चल रहे आ, जो कि हुण थोड़ा समा होया नकोदर दे विच, होर इधर उधर भी तुहानूं सारा पता वा, तुसीं रोज़ TV ते देख रहे हां। दूसरा चीज़ आ उहनां दे जिहड़े सिलसिले आ उह हुण जिंदे लाके ते बाहर गए, हर पिंड दे विच जिंदे लगे आ, हर घर घर विच जिंदे लगे आ, जिहड़े मर्जी डिस्ट्रिक्ट चल जाओ तुसीं, पिंड दे विच चल जाओ, उत्थे दा एक एक दो दो जी तक पई तां सारे चले गए। जे अमेरिका हुण सैटल हो गए ते सारा टब्बर चला गया, वो फिर कोठियां खाली पईआं इत्थे। हाँ जी, इस तरह के सिलसिले जिहड़े हैगे आ बहुत ज़्यादा आ। कईआं दीआं जमीनां जिहड़े लोक बोंदे आ, जिहड़े भैण भरा चाचा ताया वो बोंदे आ, उन्हां ने उहदे उत्ते कब्जे कर लिया। देखो हुण तरीके बहुत लभ गए आ, लोक एडवांस हो चुके आ, लोगों को पता लग चुका कि की करना। असीं इस तरह के सिलसिले जिहड़े आ सानूं NRI नूं बहुत ज़्यादा नजिठने पै रहे इस टाइम, साढ़े ते बहुत भारी आ। बाकी जिन्ने NRI आ बैंकों में चल जाओ, तुसीं पहलां पैसे इत्थे लैके आउंदे सी, अज इत्थों पैसे लैके जा रहे आ, जमीना वेच के उत्थे नूं लैके जा रहे पैसे, क्योंकि जिहड़ी उत्थे दी कनेडा दी अमेरिका दी बाहरले मुल्कां दी जिहड़ी पनीरी हैगी ने, साडे बच्चे हैगे आ, उह नहीं चाहुंदे इत्थे आउणा, उह चाहुंदे नहीं कि कहिंदे जमीन जमूने ते पैसे वट्टो डैडी ते उत्थे चलिए, उत्थे कोई ना कोई कारोबार कर सकदे। उत्थे भी कारोबार हैगे आ, बहुत वड्डे वड्डे कारोबार आ जिहड़े तुसीं पैसा कर सकदे आ, तुसीं शो कर सकदे आ, उदां तुसीं पैसे नहीं लिजा सकदे, पर जिहड़ी तुहाडी मां बाप दी भैण भरावां दी तुहाडी जायदाद हैगी आ, उह 22 लाख तुसीं उत्थे पैसे लिजा सकदे आ। ठीक है ना जी, उत्थे जाके पैसे तुसीं उन्हां नूं यूज़ कर सकते हो। हुण जिहड़े जंग आ, कोई अज दे दिन दे विच थोड़ा समा होर इहदों गाड़ी अगे आउणा, ये जिहड़ा डेंजरस आ, बहुत ज़्यादा डेंजरस समा चल रहा इस टाइम, बिल्कुल बच्चों वास्ते बहुत ज़्यादा डेंजरस आ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि पिछे जे सारियां गल्लां NRI वल्लों क्वेरीज आउंदियां रहिंदियां ने, सानू आधार कार्ड बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए, जे असीं इत्थे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या वेचनी है, टैक्स कितना पएगा, पैन कार्ड बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, हाँ जी, वो सारिया इत्थे कानूनी सहायता लेंदे रहिंदे ने, वो सारिया गल्लां चलदियां रहिंदियां ने। गल ये है कि तुहाडे अपने संबंध दे विच कोई अपने तजर्बे दे विच कोई इदां दा केस आया कि जिहदे विच इदां दी कोई प्रॉपर्टी सी ते बाद विच छुड़वा ली गई होवे, मतलब गेम सीधी पै गई होवे, जिहदी प्रॉपर्टी सी उहनूं मिल गई होवे? ये दस के उत्ते बहुत भारी पई सी पिछले साल, तुहाडे अपने उत्ते? जी हाँ। अच्छा जी, 2022 की गलबात आ, कोई साढ़े भेती बंदा सीगा, जाणू पछाणू बंदा सीगा, जिहड़ा साडा साढ़े छोटे भाई का यार दोस्त सीगा, उस बंदे नूं सारा, क्योंकि उहदे कोल टैक्सी चलाउंदा, उहदे नूं सारा साडा भेत सी। अच्छा जी, मेरी चंडीगढ़ कोठी सी, उस बंदे ने आपे ही सैन करके, आपे ही सारा कुछ करके, तो कोर्ट के केस लाता, फिर मतलब यह 19 तरीक में साडा इहदा बयाना किया, तो 19 तरीक में बयाने ते नहीं पहुँचा सरदार जिंदर सिंह औजला। अच्छा जी, उन्होंने मेरे सैन किए हुए झूठे, उदों बाद जो दस नूं पता लगा भी यह साडा केस किदां दा हो गया, हुण 4-5 करोड़ रुपए की आ प्रॉपर्टी आ, तो जिहड़ी उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की लिखी सी। इस करके उदों बाद पुछ पड़ताल हुई, प्रशासन ने मेरी हैल्प भी की, उत्थे भी प्रशासन चंडीगढ़ दी उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हैल्प की, मैं नहीं कह सकता कि मेरी प्रशासन ने हैल्प नहीं की।
ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਕੇਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਕੇਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚਿੱਠੀ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਸਾਰਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਆਵੋ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਾਓ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਾਊਗਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਈ ਆ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਂਭ ਲਈ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਮੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਨਲਾਈਟਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਓ ਪਰ ਜਾਓ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ